माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को विनती है कि इसे किसानों के मसले पर किसानों की बात को उठाने में व्यवधान ना करें। किसानों का प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए, किसान की बात रखने में व्यवधान ना करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सृजन करने का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है, कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है, किसी राज्य में दो डिजिट में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11% का ग्रोथ, जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसानों को कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया, रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको ट्यूशन ओवर के बाद मैं एक मिनट बुलाने का, ठीक है ना? आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न निकालें। हाँ, जीरो ओवर के बाद एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी, एक मिनट, सारी घटना के बारे में, एक मिनट, सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कल्याण, आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है, किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है
किसान का उत्पादन बढ़ाना, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है, और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना बेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया, और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का, मुझे बता तो खुशी है 1,00,000 करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य मंत्री जी एड्रेस इधर करें, पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय अध्यक्ष महोदय कृषि की समस्याओं को समझते हैं, उन्होंने स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है, और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखे, रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है, इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट है, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है, और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली दे के बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपने खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है, और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है।
किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।